नमस्कार दोस्तों, विश्वविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। बुधवार को उनका निधन हो गया है। वो 76 साल के थे। वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते उनके शरीर के कई हिस्सों पर लकवा मार गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज जारी रखी। हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके गुजरने की बात उनके परिवार ने की। उनके बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टिम ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया है। कहा, हम पिता के जाने से बेहद दुखी हैं। वो महान वैज्ञानिक थे, असाधारण इंसान थे जिनका काम विरासत आने वाले सालों में भी माना जाएगा। हॉकिंग के पास 12 मानद डिग्रियां थी और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ी कई जानी मानी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग की गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती थी। स्टीफन का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाले हॉकिंग किसी भी आम इंसान से इतर दिखते थे। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक और बेस्ट सेलर रही किताब अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया जा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अपनी खोज के बारे में हॉकिंग ने कहा था, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। साल 2014 में जब हॉकिंग फेसबुक पर पहली बार आए, तब उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में अपने प्रशंसकों को जिज्ञासु बनने की नसीहत दी थी। हॉकिंग ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं हमेशा से सृष्टि की रचना पर हैरान रहा हूँ। समय और अंतरिक्ष हमेशा के लिए रहस्य बने रह सकते हैं, लेकिन इससे मेरी कोशिशें रुकी नहीं है। एक दूसरे हमारे संबंध अनंत रूप से बड़े हैं। आज मेरे पास मौका है और मैं इस यात्रा को आपके साथ बांटने के लिए उत्सुक हूँ। जिज्ञासु बने, मैं जानता हूँ मैं जिज्ञासु बना रहूँगा। दोस्तों, ये थी हॉकिंग की जीवनी।